गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज बज रहा है सुबह के, सुबह नहीं अभी शाम हो गई है, शाम के 6। और आज हर रोज़ मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और इसे देख लो, देखो इसको कैसे मेरे हाथ पे आके बैठी है। और अभी चलना शुरू किया है इसने, और ब्रीडिंग बॉक्स से निकली है ये परसों, जिस दिन मैंने अपलोड किया था बेड में उसी दिन वो पहले निकली है ब्रीडिंग बॉक्स से। और आते ही ये किस तरह से हाथ में बैठ गई है, और ड्रेस से भी चिपक के बैठ जाती है। कुलू की यही फितरत है, शी इज कुलू, पिछले दिन मैंने दिखाया था। और डिनर में आज बनाऊंगी चिकन मंचूरियन, और चिकन मंचूरियन की रेसिपी मैं करूंगी शेयर आप सभी व्यूअर्स के साथ। टिल देन के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अभी मैं जो भी काम करूंगी, देखिए मेरे साथ कुलू घूमेगी, देखिए इस तरह से कुलू घूम रही है मेरे साथ। लुक एट हर, यहाँ पे चढ़ गई है और ऐसे अकड़ के, इस तरह से नाखून से अकड़ के बैठ गई है, पूरा अकड़ के एकदम बैठी है टाइटली, और चढ़ भी रही है इधर उधर। लेकिन इसको घूमना है मेरे साथ, मेरे हर एक काम में इसको कंपनी देना है मुझे कुलू। सो गाइस, चिकन मंचूरियन बनाने के लिए मैंने इस तरह से चिकन के पीसेस को लिया है। मेरे घर पे बस हम लोग, मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग रहते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए दिस मच इज इनफ। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स है तो आप ज़्यादा चिकन भी ले सकते हैं। और इस तरह के चिकन के पीसेस को पहले चिकन स्टॉक बनाने के लिए गर्म पानी में एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बॉयल करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से चिकन स्टॉक बनाती हूँ मैं। चिकन स्टॉक बनाने के लिए इस तरह से मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए दिया है। और जब भी, जितना भी चिकन आप ले, एटलीस्ट ये जो हम लोगों का फिंगर है, इतना ज़्यादा पानी रहना चाहिए, पानी इतना ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, और इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और इसको मैं कवर करने वाली हूँ, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि स्टॉक इसमें से हम लोग अच्छी तरह से निकाल सकें। सो गाइस, चिकन का जो स्टॉक है वो बन के तैयार है, और कुछ ऐसे दिख रहा है इस तरह से। और बोनलेस चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कटी हुई इसके टुकड़े करने हैं मंचूरियन बॉल्स के लिए। तो बोनलेस चिकन लेना है और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। अब इन छोटे छोटे पीसेस को कुछ देर तक मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए लेना है एक एग या 1/2 एग, वाइट और एग योक मिलाकर भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, और डालूँगी मैं विनेगर, बस वही 1 टीस्पून के करीब विनेगर इसमें जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिला के मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। डियर फ्रेंड्स, अभी मंचूरियन बॉल्स बनने के लिए, फ्राई होने के लिए बिल्कुल से तैयार है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें मैंने क्या डाला है फ्राई करने के लिए, इसमें मैरिनेशन होने के बाद जब मैंने इसको ओपन किया, तब इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा डाला है एंड 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर को थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर अगर ज़्यादा डाल दिया आप लोगों ने तो ये जो बॉल्स फ्राई होंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, इसलिए मैदा ज़्यादा और कॉर्नफ्लावर कम डाल के फ्राई कीजिएगा, तब जाके मंचूरियन बॉल जो है वो बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनेगा। और मंचूरियन बॉल्स इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने से पहले थोड़ा आटा सानने की तरह मंचूरियन को, जो चिकन के मैरिनेटेड पीसेस है उनको थोड़ा मैदा डाल के आटा सानने की तरह थोड़ा सान लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप में लड्डू जैसे शेप बनाकर डीप फ्राई कीजिएगा। मंचूरियन बॉल्स तो ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं, अब ग्रेवी की तैयारी चल रही है। ग्रेवी के लिए मैंने सौते करने के लिए जो वेजिटेबल्स डाले हैं वो है कैप्सिकम थोड़े बड़े साइज में कटे हुए, प्याज वो भी थोड़े बड़े बड़े साइज में कटे हुए, एक प्याज का यूज किया मैंने छोटा वाला, प्याज का भाव तो आप लोगों को पता है ना आजकल, और स्प्रिंग अनियंस बारीक कटे हुए, और ग्रीन चिलीज बारीक कटे हुए, और लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इसमें पड़ेगी,
तो ऑलमोस्ट हाफ कप लहसुन बारीक कटी हुई डालनी है। कुछ लोग इसमें अदरक को भी डाल देते हैं बारीक काट कर, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बारीक कटी हुई अदरक वाला डिश उतना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल ग्राइंडर में फाइनली ग्राइंड अदरक पसंद करते हैं, लेकिन बारीक कटी हुई अदरक अगर किसी डिश में है तो वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से ग्रेवी की तैयारी चल रही है, सौते हो रहा है ये सब कुछ। और इसमें मैं अभी डालूंगी हाफ टी स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून नमक, और इसको इस तरह से और 2 मिनट तक मैं चलाऊंगी, सौते करना है इसको, सौते। अब जिन सॉसेस का प्रयोग करना है मुझे ग्रेवी के लिए वो है सोया सॉस, बहुत कम सोया सॉस डालना है, मतलब हाफ टी स्पून बहुत होगा, उससे भी कम अगर हो सके तो डालिएगा। रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून तक डालना है, टोमेटो सॉस ये भी 1 टेबल स्पून तक डालना है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ लोग ऑयस्टर सॉस का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने ऑयस्टर सॉस का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जो भी रेसिपीज दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसमें मैं ऐसी चीज़ों का प्रयोग करती हूँ जो इजीली अवेलेबल घर पे सबको मिल जाए, ऑयस्टर सॉस सबके घर में नहीं होता, इसलिए मैंने ऑयस्टर सॉस का प्रयोग नहीं दिखाया यहाँ पर। अगर आप लोग के घर पे है तो यू कैन ट्राई इट, आप लोग डाल सकते हो। देखिए फिर से धुआं आ रहा है और कैमरा क्वालिटी की वजह से हेजी हो रहा है वीडियो, लेकिन जो मंचूरियन बॉल्स थे उनको मैंने मिला दिया है ग्रेवी में और ग्रेवी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और चिकन स्टॉक जो था पहले से रेडी किया हुआ, उस स्टॉक को मुझे अब मिलाना है इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और इसको चलाते रहना है अभी जब तक कि थोड़ा और ठीक ना बन जाए, तब तक इसको चलाते रहना है। सो गाइस इस तरह से बन के तैयार है चिकन मंचूरियन रेसिपी ऑफ टुडे, और इस तरह से आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस प्यारे से रेसिपी को। और जो लोग वेज है एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देम, क्योंकि ये लोग इसको ट्राई नहीं कर सकते, दिखने में भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप लोग इस सेम रेसिपी को बस चिकन स्टॉक के अलावा जितना भी प्रोसीड्योर मैंने जो भी दिखाया है इसको पनीर के साथ ट्राई कर सकते हैं, सोयाबीन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं जो लोग वेज है, और नॉनवेज लोग तो इस तरह से ही ट्राई कर सकते हैं और घर पे खा के इसके मज़े ले सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। गाइस ये थी आज की रेसिपी और ये था आज का व्लॉग। तो आज था फ्राइडे और फ्राइडे का व्लॉग कैसा लगा कुलू और चिकन मंचूरियन के साथ? ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाई इसको मैं, अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा लंबा व्लॉग देखना तो ज़रूर बताइएगा। और हमेशा खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ और जो अच्छा लगता है उसको खूब एंजॉय कीजिए, खूब कीजिए। जिस भी हॉबी में आपका इंटरेस्ट है उस हॉबी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बस खुश रहिए, यही मेन बात है। सारे ब्लॉग्स का उद्देश्य यही है कि आप लोगों में खुशी मैं बांटना चाहती हूँ और हमेशा देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं, यही मेन मोटो है मेरे ब्लॉगिंग का। और आज बहुत रात हो चुकी है, मुझे करना है डिनर, और आप लोग भी डिनर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।